नमस्कार मैं हूं आपके साथ नम्रता इंटरनेट की दुनिया का जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी वो कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं बस कुछ ऐसा ही इंटरनेट के साथ भी है अब देखिए ना जितनी जल्दी ये सोशल मीडिया हमें देश और दुनिया भर में हो रही गतिविधियों से रूबरू कराता है उतनी ही जल्दी फर्जीवाड़े में फंसने के चांसेस भी होते हैं ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है यहाँ पर एक लड़की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और अब बैन हो चुके टिकटॉक ऐप के जरिए कई लोगों को अपने जाल में फंसाया और फिर उनसे मोटा पैसा ऐठा फिलहाल मेरठ पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है दरअसल पिछले काफी दिनों से मेरठ की सड़कों पर एक गिरोह सक्रिय था इस गिरोह में शामिल लड़की कभी फेसबुक के जरिए तो कभी पर्ची फेंककर युवाओं को फंसाती थी पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में भी आरोपितों ने कबूल किया है कि ये दोनों अब तक कई लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं इनमें कई फौजी भी शामिल हैं आरती नाम की ये लड़की पहले इन फौजियों को फंसाती थी और फिर बाकायदा इनके साथ घूमने फिरने भी जाती थी छोटे मोटे खर्चे कराने के बाद ये लड़की फिर इन युवाओं से इन फौजियों से बड़ा अमाउंट लूटती थी पूछताछ में आरती ने यह भी बताया कि वो सड़क चलते उन लोगों पर नजर बनाए रखती थी जो उसे लगते थे कि फंस सकते हैं पर्ची पर लिखकर वो लड़की अपना नंबर फेंकती थी और आपको बता दें जिस नंबर को यह लड़की इन लड़कों को दिया करती थी उसे फिलहाल पुलिस ने बंद करा दिया है पुलिस उन लोगों का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है जिनको अब तक इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया है बता दें आपको इस गिरोह का पर्दाफाश एक शिकायत के आधार पर हुआ दरअसल फिरोजपुर में तैनात एक फौजी ने दो दिन पहले नौचंदी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपियों को धर दबोचा बता दें आरोपियों के पास से एक सोने की चेन पांच मोबाइल फोन्स आई कार्ड पैन कार्ड वोटर आई कार्ड और तीन पर्स बरामद किए गए हैं ये खबर एक सीख है उन लोगों के लिए जो इस तरह किसी के जाल में फंसते चले जाते हैं इस खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा